हाय फ्रेंड्स, मैं किरण और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है स्वराज्य। गाइस, मैं यहाँ पे एक न्यू नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ जो बल्कि निकली है FDCM रिक्रूटमेंट 2018-19 महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडल रिक्रूटमेंट 2018। हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं गाइस, आपको पोस्ट यहाँ पे क्लर्क की मिल रही है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो अगर आप बीकॉम डिग्री होल्डर हो तो आप इस पोस्ट के लिए ज़रूर आवेदन कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। तो आइए और देखते हैं जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है महाराष्ट्र राज्य वन विकास महामंडल में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इसका जो नोटिफिकेशन है वो गाइस बल्कि 20 नवंबर 2018 में निकल के आया था। हम आपको बताना चाहते हैं ये आपकी जॉब लोकेशन महाराष्ट्र नागपुर में होगी और हम आपको बताना है गाइस, यहाँ पे आपको सब मिला के 27 पोस्ट मिल रहे हैं और हम यहाँ पे कार्यालय का जो नाम है वो हम लेना चाहते हैं जो बल्कि दक्षिण चंद्रापुर प्रदेश, चंद्रापुर दक्षिण चंद्रापुर प्रदेश व उत्तर चंद्रापुर प्रदेश मिलून। तो आपको यहाँ पे 27 पोस्ट मिलेगी और ये जो पोस्ट है कैटेगरी के वाइज एससी एसटी एसबीसी ओबीसी इसमें बांट के रखी गई है। जैसे आप हमारे होम स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आपकी जॉब लोकेशन और जॉब के बारे में इन्होंने प्रोफाइल दिया है, कैटेगरी के वाइज डिवाइड किया है। तो आप कौन से कैटेगरी में आते हो तो आपको वो अच्छे से देखना है और अप्लाई करना है। अप्लीकेशन आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, ठीक है गाइस। और आपकी जो लास्ट डेट है ये जो फॉर्म की आवेदन की, तो आप 24 दिसंबर तक ये जो फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो। हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं गाइस, आपको जो पोस्ट मिलेगी वो क्लर्क की मिलेगी, ठीक है। तो इसमें महिला भी 30% आरक्षित रखी गई है, तो अगर महिला को यहाँ पे आवेदन करना है तो वो लोग भी यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। माजी सैनिक ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, दिव्यांग भी, हैंडीकैप जो को पर्सन है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे कैटेगरी दे रखा है, आप हमारे होम स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो आप इसे एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं गाइस, यहाँ पे नागपुर प्रदेश कर्ता मतलब जो नागपुर के रहवासी हैं तो उनको यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट मिलेगी और सब यहाँ पे हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 39 पोस्ट मिल रही है। ये जो डिवाइड किया है जैसे हमने पार्ट वन में देखा है उसी तरह यहाँ पे उन्होंने डिवाइड किया है, तो आप एक बार अच्छे से देख लेना। ये जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा तो आप वहाँ से डायरेक्टली भी जाके देख सकते हो। पे स्केल की बात करते गाइस, आपकी जो सैलरी है भर्ती होने के बाद 5200 से लेके 20200 होगी। आपकी जो सबसे पहले रिटर्न एग्ज़ाम होगी फिर उसके बाद इंटरव्यू होगी। अगर आपको कोई दिक्कत आता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही एक छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। भारत के आप किसी भी कोने में रहते हो, कौन से भी राज्य के आप रहते हो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो क्योंकि ये जो चैनल है आपको जॉब के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी देता है और इसके जो न्यूज़ है हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।